सर उदय जी देखें, आपको समझने की ज़रूरत है कि हमें बिल्कुल इसके स्पेसिफिक थ्रेट्स मौजूद थे। पूरे एरिया को आप कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं। एक इनिशिएटिव हमेशा से टेररिस्ट के पास होता है कि वो सिलेक्ट करते हैं टाइमिंग और टारगेट, जबकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के जितने सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने एक एक इंच को प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये बड़ी मुश्किल लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत सारे इस तरह के वाकयात को प्रीएम्प्टिव मेजर से रोका भी हुआ है, और इसको इस तरह सिक्योरिटी लैब्स की तरफ लेके जाना मुनासिब बिल्कुल नहीं है। और आपको पता है कि जब एक डेथ सेंटेंस को कबूल करके हमारा दुश्मन हमसे लड़ रहा है, जैसे मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि बलूचिस्तान की अपनी फ्रेजिलिटीज़ हैं, पोरस बॉर्डर्स आपके सामने मौजूद हैं, और ये दुनिया का वाहिद बॉर्डर है जहाँ पर 12 से 13 हज़ार लोग बगैर किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के रोज़ाना यहाँ से वहाँ जाते हैं और वहाँ से यहाँ आते हैं। तो इस तरह के हालात हैं। हम बॉर्डर मैनेजमेंट पे भी तवज्जो दे रही है फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, तो इसको सिक्योरिटी लैब्स कहना मुनासिब नहीं है। देखिए, वो जो सुसाइडल था उसका हमें हेड मिल गया है, और फ्रांसिक लेबॉर्टरी जो पंजाब की है उनको भी हमने रिक्वेस्ट कर लिया है, वो फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट पे यहाँ पे आ रहे हैं। और साथ साथ जो जितने वहाँ पर साइट की जो वो थी वो हमने मुकम्मल कर ली है, और अब हम पंजाब फ्रांसिक लेबॉर्टरी से और आर्मी की फ्रांसिक लेबॉर्टरी से मिल के इस तहकीकात। मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स जो होता है वो कल भी आपने देखा है, आज भी आपके सामने है कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और हमारी मिलिट्री लीडरशिप्स तमाम लोग रात को ही इकट्ठे बैठे हैं। और वो जो रिस्पॉन्स था, और आपको माजी में याद है कि लोग यहाँ पर सड़कों पे अपनी डेड बॉडीज़ रख के माइनस टेम्परेचर में पड़े रहते थे और उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त था। हॉस्पिटल में जो इंतजाम थे उसकी भी आप अप्रिशिएट करें कि जिस तरह ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इस ट्रामा सेंटर को एक्टिव कराया है और जिस तरह उसने कल मरीजों को ट्रीट किया, दैट वॉज वंडरफुल। इस जंग में एक ज़माने में था कि वो ऊपर की तरफ जा रहे थे, वो आगे थे और स्टेट जो है वो स्टेट आगे थी, वो स्टेट के पीछे लगे हुए थे। आज वो सिचुएशन नहीं है। आज जो है स्टेट जो है अल्लाह ताला के फजल करम से स्टेट ने जो है उन पे हमने काबू पा लिया है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से जो मज़ीद जो बचे कुचे हैं उन पर हम काबू पा लेंगे। और आप देखें कि एक टाइम था क्वेटा में, आपके सामने क्वेटा है, कि आप दिन को भी यहाँ पर निकलने के लिए 20 दफ़ा सोचते थे। किसी घर में अगर आधा घंटे के लिए किसी का मोबाइल जो है बंद हो जाता था, वहाँ पर पैनिक फैल जाती थी कि पता नहीं क्या हो गया। आज वो नहीं। आपके रोड अल्लाह ताला के फजल करम से सेफ है। आज सारे आपके जो है पूरा बलूचिस्तान खुला हुआ है, आप जहाँ पर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट जो है हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ को जाता है, जिन्होंने रद्दुल फसाद अभी शुरू करवाया है, उससे पहले ज़र्ब अज़्ब जो है वो शुरू करवाया। तो और जिस तरह हमने कहा कि आप रिस्पॉन्स देखें कि हम जलसे में बैठे हुए थे, जैसे ही हमें पता चला और वहीं हमें प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कहा, हमारे लीडर हैं मियां नवाज शरीफ ने, कि आप और फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर साहब आप लोग चले जाएं फौरन। और हम लोग उसी वक्त, आप लोगों ने देखा होगा कि हम स्टेट से उठ के सीधा यहाँ पर आए और हमने वो किया। तो हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि लोगों को तहफ़ देना। लेकिन अब जिस तरह हम कह रहे हैं कि अमेरिका में एक सुपर पावर है, यूरोप में आप देखें इस तरह के खुदकुश हमले जो है वहाँ पर भी आप रोक नहीं सकते हैं। उस इस तरह के खुदकुश हमलों को आप दुनिया में कहीं पर भी नहीं रोक सकते हैं। लेकिन यह है कि हमारी कोशिश यह है कि हत्तुलविसाम कोशिश करें उनमें कमी लाएँ, और हम अल्लाह ताला के फजल करम से हम कमी लाए हैं। और ये फिगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टाइम मैगज़ीन में मैंने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था, ये मुझे याद नहीं है कि 2011 की बात है या 2012 की बात है। एक टाइम था कि 6 से 7 धमाके जो है थ्रू आउट पाकिस्तान में एक दिन में होते थे, वो सुसाइडल हो या आईडी हो या कोई और किस्म की ब्लास्ट हो। तो उस पर अल्लाह ताला के फजल करम से हमने काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। और ये इक्का दुक्का वाकयात ज़ाहिर है अभी वो भी वो हैं, इस तरह हैं, बैठे हुए हैं। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर उन्होंने अपने सेफ जो है हेवंस बनाए हुए हैं, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग मिलती है, वहाँ से वो आते हैं। तो इंशाल्लाह वो होगी, लेकिन इसका भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, सदबात करेंगे। लेकिन जैसे एहसन भाई ने कहा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम कैमरे के सामने शेयर नहीं कर सकते। अगर हम उनको कैमरे के सामने शेयर करें तो फिर इसका मतलब है कि हम उन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने पकड़ा है, बहुत सारे लोगों को जो है वो आप हमने कैसर करता है।